नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायलों के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जुगसलाई थाने का किया घेराव, थानेदार पर लगाया आरोप। जुगसलाई घोड़ा चौक पर मनिक मेटल स्टोर में तिजोरी तोड़कर 2 लाख रुपए नकद की हुई चोरी, पूर्व कर्मचारी शामिल। आसन बनी पंचायत के साथ नाला डैम जलस्तर बढ़ने के कारण दर्जनों गांव का संपर्क टूटा। और मानगो मुंशी मोहल्ला में नशेड़ियों ने एक परिवार के एक महिला सहित 3 पर वार कर किया जख्मी। खबरें अब विस्तार से। 3 सितंबर को जुगसलाई थाना क्षेत्र के घोड़ा चौक में तेज रफ्तार इनोवा कार की चपेट में आने वाले 3 युवकों की हालत नाजुक है। मुआवजा की मांग को लेकर गांधीनगर के लोगों ने जुगसलाई थाने का घेराव किया। बताया जाता है हादसे के समय इनोवा कार चालक नशे के हालत में था तथा तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। 3 युवक इनोवा की चपेट में आकर जख्मी हो गए। 2 घायलों का इलाज TMH में चल रहा है जबकि 1 रांची रिम्स में चल रहा है। 3 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायलों को मुआवजा देने की मांग को लेकर परिजनों एवं बागबेड़ा गांधीनगर के लोगों ने रविवार को जुगसलाई थाना का घेराव किया। TMH में इलाज चल रहे सोनू राव की मां सत्यवती देवी ने आरोप लगाया। जुगसलाई पुलिस इनोवा चालक हेमंत मित्तल का बिना मेडिकल जांच कराए जमानत देकर छोड़ दी है। उन्होंने मुआवजे की मांग की है। इनोवा वाला और उसमें थाना प्रभारी कोई एक्शन लेना नहीं है। जब आ रहे तब टाल के हम भगा दिया जा रहा है। आज बोल रहा कि थाना प्रभारी के सामने आइए। स्थिति कैसी है तीनों युवकों की? स्थिति उनका बहुत खराब है, मौत का मुंह में है। जो मारा है धक्का वो कहाँ का रहने वाला है? जुगसलाई का रहने वाला है। पुलिस ऐसे ही छोड़ दिया? ऐसे बिना मेडिकल जांच का। अभी आप लोग क्या मांग करने आए हैं? हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों का बच्चा सही सलामत इलाज कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? थाना प्रभारी बोल रहा की क्या कि तीनों लड़का मर गया है क्या? उधर जुगसलाई घोड़ा चौक के समीप मनिक मेटल स्टोर में शनिवार की रात तिजोरी तोड़कर 2 लाख रुपए नकद की चोरी हो गई। बताया जाता है चोर की संख्या 3 थी। पीछे से पेड़ के सहारे स्टोर के छत पर चढ़ने के बाद चोर छत का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और अंदर में तिजोरी तोड़कर उसमें रखे 2 लाख रुपए की चोरी कर ली। चोरी करने वालों में स्टोर का पूर्व कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस 2 चोर को गिरफ्तार कर ली है जबकि पूर्व कर्मचारी को पकड़ने के लिए जुगसलाई पुलिस छापेमारी कर रही है। चोरी के संबंध में स्टोर मालिक मनिक मलिक ने जानकारी दी। ये हमारी दुकान जुगसलाई स्टेशन रोड पर स्थित बर्तन की दुकान है, जहाँ पर कुछ लड़के जो चोर रात को दुकान के बगल से पेड़ के माध्यम से ऊपर छत में चढ़ा, वहाँ का दरवाज़ा तोड़ के अंदर दुकान गल्ला में पैसा था और एक साइड में एक तिजोरी टाइप का है जहाँ पैसा उसे रखते थे दुकान कारोबार के लिए, वहाँ पर पैसा था, वहाँ से भी पैसा। लगभग कितने नकद की चोरी हुई है? लगभग ये अंदाजा आप मोटा मोटी 2.5-3 लाख रुपया होना चाहिए। वो सामान भी चोरी हुई है? नहीं, सामान नहीं, सिर्फ पैसा। वो लड़का जो चोरी किया कुछ दिन पहले हमारे दुकान में काम भी करते थे, यहाँ से रूप सिंह। तो थाने में शिकायत किए हैं? उधर सरायकेला के आसन बनी पंचायत के दर्जनों गांव का नवनिर्मित सतनाला डैम के जलस्तर बढ़ने से संपर्क टूट गया है। वहीं लगभग 150 एकड़ धान की खेती भूमि जलमग्न हो गई है। बता दें कि स्वर्णरेखा परियोजना के डोभो के समीप सतनाला डैम का निर्माण किया जा रहा है। लगातार बारिश होने से डैम के दूसरी ओर रामगढ़ जामडी होते हुए NH 32 को जोड़ने वाली सड़क पर लगभग 6 फीट पानी भर जाने से दोनों ओर के दर्जनों गाँव का संपर्क टूट गया है। वहीं लगभग 150 एकड़ भूमि पर धान की खेती जलमग्न हो गई है।
फसल नष्ट होने से किसान नाराज है। परियोजना में ग्रामीणों को सूचना दिए बिना गेट बंद कर रखा है, जिस कारण निचले स्तर में जल का जमाव हो गया है। लगातार बारिश होने से पहाड़ी जल स्रोत का पानी डैम में जमा हो चुका है। वहीं परियोजना प्रोजेक्ट इंजीनियर ने बताया कि डैम के गेट का काम चल रहा है, जिस कारण डैम को बंद रखा गया है। लगभग एक माह के बाद काम खत्म हो सकेगा। तत्काल गेट आधा मीटर खोला गया है। बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे हम लोग इधर से इधर रामगढ़ निकलते हैं, यहाँ राशन स्टोर है, पदलोगड़ा से भी आदमी आते हैं राशन लेने के लिए। अभी वो लोग भी नहीं आ पा रहे हैं। जैसे हाईवे के लिए अभी एक तो बाईपास रोड है, यहाँ से आप टाटा भी जा सकते हैं ये वाला रोड में, और इधर से वो भी अभी ठप हो गया। अरे पानी इतना अभी जमा हो गया, अभी तो फाइनल भी नहीं हुआ डैम, फिर भी इतना पानी है। जब फाइनल होगा तो पता नहीं क्या होगा। अभी पूरा फसल भी कम से 150-150 एकड़ जमीन भी पूरा डूब के ये है। और जो ये अभी फिलहाल जो अभी डैम सतना डैम जो बंधा है, और इस डैम का पानी को रोका गया है, और सरलेखा प्रोजेक्ट ये डैम बनाई है, और इस डैम के पानी बढ़ने के कारण आवागमन काफ़ी जटिल हो गई है। इधर से आना जाना काफ़ी दिक्कत हो रहा है लोगों को, इधर से जाना पूरा संपर्क टूट गया है। और इस डैम के पानी रुकने के कारण यहाँ पर कम से कम 100 एकड़ भूमि का अभी फसल नष्ट हो गया है, पानी पे पूरी डूब गई है फसल। और इसमें हमारे किसान भाई काफ़ी मर्माहित हैं। और डैम का अभी गेट बंद है, जब तक हम लोग का काम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक गेट हम लोग बंद करके रखेंगे, बंद रहेगा। अभी फिलहाल वर्क प्रोग्रेस में है, अभी जैसे काम कंप्लीट हो जाता है तब तक गेट खुल जाएगा। वहीं शनिवार की रात मानगो मुंशी मोहल्ला में मुस्लिम बस्ती में नशेड़ियों ने महिला समेत अन्य पर प्राण घातक हमला कर जख्मी कर दिया। अब हमलावर केस उठाने के लिए धमकी दे रहे हैं। बताया जाता है पड़ोस में रहने वाले कुछ युवक गांजा पी रहे थे। तनवीर आलम नामक व्यक्ति के घर की महिलाओं ने घर के बगल में नशा सेवन करने से मना किया। गुस्साए नशेड़ियों ने घर की महिला समेत दो अन्य को रॉड से प्राण घातक हमला कर जख्मी कर दिया। नशेड़ियों के खिलाफ घायलों ने मानगो थाना में शिकायत दर्ज कराई। अब हमलावर शिकायत करने वालों को केस उठाने की धमकी दे रहे हैं। घायल तनवीर आलम की मां जीनत परवीन ने घटना के संबंध में जानकारी दी। 10 बजे क्या चीज को लेकर मारपीट हुआ था? वहाँ नशा कर रहा था, मेरी बेटी लोग पार होकर जा रही थी बाथरूम, तो उसी में मेरा बेटा बोला कि यहाँ पर ही नशा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। तब तक माँ बहन यहाँ पर ही पार होती है, उसी में कहा कि गाली गलौज करने लगा और बूढ़िया मारने के लिए। अब मारते मारते आधा ईंटा उठाया, उसका सर में मार दिया और उसने हाथापाई किया, और जो चैन पहना था गला में चैन भी छीन लिया। और उसके बाद में उसको हॉस्पिटल लेके गए, तब तक आ करके इसको, मेरा छोटा वाला बेटा है तनवीर आलम, उसको मार करके पूरा सर फाड़ के बेहोश कर दिया। उसको रड लिया था, इतना बड़ा ईंटा लिया था, ईंटा सर में मारा है। और उसके बाद हम लोग बचाने का, हम लोग को धक्का उक्का दिया है, और देने का बाद में फिर उसके बाद में इसको बेहोश हो गया, इसको हॉस्पिटल लेके गए MGM, वहाँ टाँका उका पड़ा। उसके बाद में वहाँ से फिर हम लोग थाना लेकर के आए थे। अब क्या हो रहा, फिर परेशानी? अभी उसके बाद में अब धमकी देता कि जान से मार देंगे, घर में घुस के काट देंगे एकदम, जो करना कर लो। कौन बोलता है? वो आता है राजा है और अफसार है काशी। कहाँ का है वो लोग? उन लोगों बगल का है, पड़ोसी। जी हाँ। क्यों विवाद हुआ, लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई वही नशा करता, नशा का चलते बोला तो उसी में मारपीट करने लगा एकदम। अड्डाबाजी करता, नशा कर रहा था, समझे? अब उतना तो अंधेरा में था, कितना लड़का था नहीं था, मगर उन लोग चार लड़का था। क्या करता पता था, कुछ काम ना धंधा करता, खाली घूमते रहता एकदम। और बिष्टुपुर ब्लड बैंक में युग नामक सेवा समिति की ओर से एक दिवसीय रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र दिया गया।
इधर संस्था के अध्यक्ष अर्जित सरकार ने बताया, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की याद और कोरोना युद्ध में मरने वालों के सम्मान में एक दिवसीय रक्तदान रखा गया। इसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सरल उपाय से रक्त दिया जा सके है। ये ब्लड डोनेशन का आयोजन किया जा रहा है। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न उपाधि से सम्मान प्राप्त स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के याद में एवं इस कोरोना काल में जो भी योद्धा कोरोना का जंग हार चुके हैं उनकी यादों में आज टीम संघर्ष परिवार ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है जमशेदपुर ब्लड बैंक परिसर में। उद्देश्य यही है कि लगातार 6 महीने से जिस तरह से पूरे शहर पूरा देश इस कोरोना महामारी को झेल रहा है, इस कोरोना संकट में भी कोई भी जरूरतमंद को रक्त की जरूरत पड़ने पर उन्हें सहज सरल उपाय में हम रक्त उपलब्ध करवा पाए। साथ ही आपको बता दें, बिष्टुपुर रामदास भट्टा स्थित होटल रमादा में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं जल कल्याण संगठन का कोर कमेटी की बैठक आयोजित की। कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय प्रांतीय और जिला संगठन के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जायसवाल ने की। बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए रवि जायसवाल ने बताया, बैठक में नए सदस्यों को सम्मानित किया गया तथा आगे की जनसेवा की रूपरेखा पर विचार किया गया। साथ ही कोरोना संकट में संगठन की ओर से की गई जनसेवा का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और डीसी एसडीओ से जनसेवा के संबंध में मुलाकात कर चर्चा करने का मसौदा तैयार किया गया। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार और जन कल्याण संगठन की तरफ से की गई है। आज हमारी कोर कमेटी की राष्ट्रीय प्रदेश और जिला कमेटी के टोटल मेंबर का आज यहाँ कोर कमेटी का बैठक हुआ है। इसमें आज हमारे जो न्यू सदस्य नए सदस्य उनको सम्मानित किया गया और आज हम बैठक में हम लोग ये चर्चा करने वाले कि आज हम लोग आगे का फ्यूचर में क्या क्या जनसेवा के लिए काम करेंगे, इस विषय पर आज हमारी बैठक रखी गई है। इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एग्रीको स्थित आवास पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित एग्रीको स्थित तारापुर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल इशिता दे को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा तारापुर स्कूल के डायरेक्टर बेली बोधनवाला और जमशेदपुर भाजपा महानगर कमेटी के अध्यक्ष गुंजन यादव मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने तारापुर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल इशिता दे को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा नवाजे जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, श्रीमती दे और झारखंड के अन्य शिक्षकों को मिले सम्मान से जमशेदपुर और पूरे झारखंड का मान सम्मान बढ़ा है, ये बड़ी खुशी की बात है। वहीं इशिता दे ने कहा, उनके लिए ये खुशी का क्षण है। ये नहीं पता था ये धतकीड़ी है कि यहाँ है, वो कहीं भी नहीं दिखा रहा था। पर हमने एक दो तारापुर स्कूल जब होगा तो ये होगा, वहाँ तो वो जेएच तारापुर आएगा। हाँ, ये इस पे जेएच नहीं जुड़ा हुआ है, ये तो सोलह तारापुर दैट शुड बी शिफ्टेड अ लिटिल बिट। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर राधापुर कृष्ण पुरस्कार से हमारे जमशेदपुर के तारापुर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल श्रीमती अश्विती दे एवं झारखंड के दो अन्य शिक्षक बोकारो और सिमडेगा से जो मान सम्मान प्राप्त हुए, वो निश्चित रूप से जमशेदपुर सहित झारखंड के लिए गौरव का क्षण रहा। मैं इस अवसर पर श्रीमती अश्विता दे वाइस प्रिंसिपल के साथ साथ दोनों शिक्षिकाओं को भी मैं उनसे हार्दिक शुभकामनाएं। उनको अगर स्किल्ड कर अगर हम यहाँ भी रोजगार दे सकते हैं, देश दुनिया में कहीं भी रोजगार पा सकते हैं, तो उसको अच्छी तरह मिलती इस ध्यान से जो हमारी सरकार ने इसे शुरू की थी। मुझे उम्मीद है कि जो अच्छे काम है वर्तमान सरकार उसको पूरा करके झारखंड के पलायन को रोकने एक सहायक भूमिका। बहुत अच्छा लग रहा है, एक किसी भी शिक्षिका के लिए ये सबसे बड़ा सम्मान है भारत में, तो ये प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हो रही है।
जब आपको जानकारी मिला तो क्या दिमाग में चला, किस तरह से रिएक्शन था? जब पहली बार पता चला, काफी रात हो चुकी थी, 8 बजे मुझे पता चला, तो सबसे पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा था। फिर इंटरनेट पे मैं सबसे पहला कॉल मैंने अपने प्रिंसिपल मैम, उसके बाद सर, और मैंने उन लोगों को बोला कि मेरा नाम चयनित हुआ है। बहुत उस समय भी बहुत एक्साइटमेंट था कि इन द एंटायर इंडिया 47 लोगों में चयन होना बहुत बड़ी बात है, तो उस समय भी बहुत खुशी हुई थी, आज भी बहुत खुश हूँ। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला जिला आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में मुस्किम अंसारी ने आज पदभार ग्रहण करने के बाद जिले में सभी मार्केटिंग ऑफिसर, एजीएम व डीलरों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में राशन वितरण में पारदर्शिता लाकर सही से तरीके से सभी को कार्य करने का निर्देश दिया, साथ ही कालाबाजारी की बात सामने आने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। वो सब बाहर में हैं, ब्लड प्रिंटिंग कर रहे हैं, हमको कैसे का प्रॉब्लम कुछ कर। इधर सरायकेला जिले के कांदरबेड़ा सुनारी मार्ग में पिछले कई माह से शहर का कचरा सड़क के किनारे फेंकने से ग्रामीणों में रोष है। दर्जनों मवेशी की मौत हुई, जिसको लेकर ग्रामीण युवाओं ने सड़क के किनारे विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि कांदरबेड़ा सुनारी मार्ग सोनरेखा नदी के किनारे किसी कंपनी के द्वारा शहर का कचरा लाकर फेंका जा रहा है, जिसमें शहर के कई जहरीले पदार्थ होने के कारण गाँव के मवेशी कचरा खाने से दर्जनों की मौत हो गई, जिसको लेकर डोभो कांदरबेड़ा के युवाओं ने सड़क के किनारे प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से मांग की। इस शहर का कचरा लाकर फेंकने से इलाके में आने जाने वाले लोगों को दुर्गंध से काफी परेशानी होती है, वहीं हमारे मवेशी भी कचरा खाकर दर्जनों की मौत हो गई है, जिसका नुकसान हम सबको भरना पड़ रहा है। शहर के कचरा को सोनरेखा नदी के किनारे फेंकने वाली कंपनी पर मामला दर्ज करते हुए रोक लगाया जाए। कल तो हम तो ठीके किए ना कि कल हम वे वाला रास्ता से गए, तो परसों तो साला हम फंसे थे बुरा। इतना है कंदरबड़ा से दमनी तक जो रास्ता गया है उसमें यहाँ जमशेदपुर से कचरा ला के फेंकाया गया रोड का किनारे में, और हम लोग का गांव का जो मवेशी या गांव का कोई भी औरत या बैल बकरी चराने आ जाता है, और कचरा में जो जहरीली चीज है वैसे खा के मर जा रहा है, और रोड किनारे जो कचरा है तो आने जाने के लिए गंदगी बहुत फैल जा रहा है, आदमी लोगों के लिए बीमारी का खतरा है। और प्रशासन से इतना ही अनुरोध है हम लोग का कि जमशेदपुर से ना कचरा यहाँ गांव का अगल बगल में ना फैला। इतना ही कहना चाहते हैं, रोड में कचरा फेंका हुआ है जमशेदपुर में, जमशेदपुर का कचरा साफ ला के यहाँ नदी किनार के सामने फेंक दिया, इसके लिए प्रशासन कुछ कार्रवाई करे, हम लोग इसके लिए विरोध कर रहे हैं। और जमशेदपुर के कदमा सब्जी बाजार में कोरोना महामारी को देखते हुए सामाजिक संस्था गुणजेश्वरी देवी सत्यनारायण मिश्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया इस कोरोना महामारी में कैसे बचा जा सके। लाइन मत लगाइए, भीड़ मत लगाइए, इधर इधर इधर, और भीड़ मत लगाइए, पहले पहले आप मुंह में लगाइए।
ऊपर तक कीजिए लाइट तक समझते क्यों नहीं आप लोग मुंह में बांध के रहने में क्या इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए मुंह को लगाइए अपना सोशल डिस्टेंसिंग में दे रहे और ले मास्क लेते हो पहनिए पहनिए समय में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए हमारे ट्रस्ट गुंजेश्वरी देवी सत्यनारायण मिश्र चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा फेस मास्क और सैनिटाइजर का वितरण का कार्यक्रम हम लोग ने रखा है और लोगों को हम लोग ने जागरूक भी किया है कि फेस मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहना है और हर वक्त जो है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। यही एक उपाय है जो कि कोरोना महामारी से बचने में हम लोग को मदद मिलेगी। कितने लोगों के बीच वितरण हुआ और कौन जगह में हुआ? हम लोग ने तकरीबन 700 से 1000 लोगों के बीच में फेस मास्क और सैनिटाइजर। वहीं महिला विकास मंच और फ्राइडे फिल्म्स क्रिएशन के द्वारा आज सेंट मैरिज इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल शिक्षक बिष्टुपुर थाना प्रभारी रणविजय सिंह को बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं महिला विकास मंच के कोल्हान अध्यक्ष निषाद खातून और फिल्म क्रिएशन के ऑनर ने कहा कि आज हम लोगों ने अपने शिक्षक और स्थानीय थाना प्रभारी को बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया है। आज इन लोगों के कारण ही सही मुकाम हासिल होता है, इसलिए हमेशा शिक्षक को याद रखना चाहिए, तभी जाकर जिंदगी में सफलता मिलती है। शिक्षक हैं, थाना प्रभारी हैं, इन लोगों को बुला के हम लोगों ने सम्मानित किया है। महिला इस बार में तो मतलब महिला विकास मंच और फ्राइडे फिल्म क्रिएशन दोनों मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं, एक्स स्टूडेंट जो फ्राइडे फिल्म के जो है ओनर शरण जी और मैं इसी स्कूल से पढ़े हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा आज के दिन जो है हम लोगों ने पुरानी टीचर्स को याद किया। थोड़ी तकलीफें हुई उनको कॉन्टैक्ट करना, उनको इन्वाइट करना, जो टीचर्स नहीं उपस्थित हो पाए उन लोगों का वीडियो हम लोगों ने मंगा के उसको डिस्प्ले पे चलाया, तो बहुत ही अच्छा लगा आज का कार्यक्रम। हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षक जो है हमारे मार्गदर्शक होते हैं और जैसे कि लोग अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, मगर जिसकी वजह से बन रहे हैं उनको पीछे छोड़ जाते हैं, उन लोगों को भी कभी ना कभी याद करना चाहिए, ताकि आज के भी बच्चों को हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि आगे बढ़िए, अच्छी बात है, मगर जो जिसके जरिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए। कार्यक्रम के बारे में आज हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया है जो कि 5 सितंबर को होता है, परंतु किसी कारण आज हमने 6th को यहाँ सेलिब्रेट किया है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने काफ़ी टीचर और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एसोसिएट किया। कोविड को ध्यान रखते हुए हमने बहुत छोटे गैदरिंग में प्रिंसिपल फादर्स और कुछ टीचर्स को यहाँ बुलाकर और हम 2-3 स्टूडेंट्स एक्स स्टूडेंट्स ने मिलकर ये आज का प्रोग्राम सफल बनाया है। मेरे साथ महिला विकास मंच के निषाद और मैं गुरशरण सिंह फ्राइडे फिल्म्स का ओनर, हमने मिलकर ये प्रोग्राम काफ़ी शॉर्ट पीरियड में 3 दिन के अंदर में हमने तैयारी की। जो टीचर्स आज दुनिया में नहीं है हमने उनको भी सम्मान दिया है। कहने की बात यह है कि लगभग मुझे 30 साल हो गए स्कूल से पास आउट किए और स्कूल लाइफ बार बार नहीं आती,
स्कूल के दिनों में हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यही हमारे टीचर के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। और हम जीवन में जब भी हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें टीचर प्रिंसिपल्स को बहुत ही आदर सम्मान के साथ उनका आदर सम्मान करना चाहिए और उनकी हर बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले समय में उनकी गाइडलाइंस, उनके पढ़ाई और जो उन्होंने पढ़ाया है वो हम फॉलो करके जीवन में एक सफल व्यक्ति बने। ठीक, साथ ही आपको बता दें चांडल के JNN के प्रेस प्रवक्ता की गाड़ी चोरी हो गई, जिसकी शिकायत कपाली थाने में की गई है। चांडिल थाना अंतर्गत रुगड़ी के JMM प्रेस प्रवक्ता मोहन कुंभकार का 4 सितंबर को गाड़ी संख्या JH05B0281 घर से चोरी हो गया। मोहन कुंभकार ने बताया कि गाड़ी घर के आंगन में शाम को खड़ी थी, रात करीब 12 बजे तक गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद गाड़ी चोरी हो गई। जब हम लोग सुबह सोकर उठे तो देखा कि गाड़ी नहीं है, हमने कपाली TOPO को सूचना दी और गाड़ी चोरी होने का मामला दर्ज करवाया। खिड़की तो खुला छिलो कि दिन? तुमरा जानते सकाले पाले ना? हाँ परसों रोज देखिए शाम 12 बजे तक, हम रात 12 बजे तक गाड़ी मेरा घर में था, घर में हम लोग टीवी भी देख रहा था, उसके बाद हम लोग खिड़की खुला हुआ था, गाड़ी हाई, उसके बाद हम लोग तो सो गया। सोने के बाद जैसे सुबह उठा 5 बजे, मतलब हम लोग नियम है तुलसी पीढ़िया में हम लोग गोबर ये किया जाता है, तो वो लोग देखा घर में गाड़ी नहीं है, उसके बाद हमको उठाया तो देखा गाड़ी किसी को दिया, हम बोला गाड़ी किसी को नहीं दिया, तब तो हम लोग तुरंत एकदम जाकर के हम बोला कम से कम थाना में हम सुना देना हमको जरूरी है कि गाड़ी में कोई कांड हो जाएगा तो हम फाड़ जाएगा, तो इसीलिए जाकर के हम सुबह जाकर थाने में हम एफआईआर लिखा करके हम घर आ गए। गाड़ी क्या बाहर में आप लोग रहता है? हाँ गाड़ी बाहर में रहता है, कल आंगना में घरे है, सोच लीजिए आंगना तो घरे है, अगर घर से कोई अगर चोरी कर लेगा तो कठिना ये है। गाड़ी का नंबर क्या है? गाड़ी का नंबर JH05ZV281 है। तो इसका किसी का कोई शक है किसी के ऊपर जाए ऐसा कर सकता है? देखिए अभी गांव का ऊपर तो किसी को नहीं देखा हुआ तो किसी हम शक कर लेगा, तो हम देखा नहीं तो किसी को नाम नहीं बताएगा, अगर गाड़ी पकड़ा जाएगा तो कान आने से मुंडी भी आ जाएगा, तो उसमें सारा सारी आप गांव का होने से भी पता मिल जाएगा और कोई बाहर का होने से भी पता मिल जाएगा, अभी किसी को नहीं देखा था हम कैसे आपको। और सांची गोल चक्कर में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पिछले दिनों हुए 5 साल की बच्ची की बेरहमी से उसके सौतेले पिता द्वारा हत्या मामले में दोषी पिता को फांसी की सजा हो, इसके लिए JDU द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और सरकार से दोषी को फांसी देने की मांग की गई। सुरक्षा दे हमें सरकार, हर नारी की एक ही मांग, सुरक्षा दे हमें सरकार, अपराधियों को सजा मिले। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मानगो में साक्षी चौक में यह आयोजित किया गया है, जो गुंजन 5 साल की जो लड़की है उसके साथ बहुत घिनौना हरकत किया गया है, इंसानियत का पूरा तरह से हीना व्यवहार किया गया, उसे सिगरेट से जलाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, तो इसीलिए हमारी सरकार से मांग है, हेमंत सोरेन से मांग है और DC महोदय से और जो सरकार चल रही है उससे अपील है, जो भी अपराधी है इस केस में उनको डायरेक्ट फांसी दिया जाए और इन ऐसा घिनौना हरकत नहीं किया जाए, महिला के लिए एक स्पेशल टीम बनाया जाए महिला को सुरक्षित करने के लिए,
इसीलिए हम यहाँ पे एक प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जमशेदपुर। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायलों के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जुगसलाई थाने का किया घेराव, थानेदार पर लगाया आरोप। जुगसलाई घोड़ा चौक पर मनिक मेटल स्टोर में तिजोरी तोड़कर 2 लाख रुपए नकद की हुई चोरी, पूर्व कर्मचारी शामिल। आसन बनी पंचायत के साथ नाला डैम जलस्तर बढ़ने के कारण दर्जनों गांव का संपर्क टूटा। और मानगो मुंशी मोहल्ला में नशेड़ियों ने एक परिवार के एक महिला सहित 3 पर वार कर किया जख्मी। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।